क्या एक बड़ी तेजी के बाद ठहराव का, स्थिरता का या मुनाफा वसूली का होगा? अगले हफ्ते के लिए तैयारी में भी हमको लगता है शुक्रिया हम बातें रविंद्र। सब छोटी हुई नजर आएंगी। जी बोलिए। शुक्रिया सर। जी आप देखिए इस समय निफ्टी का जो लेवल है और जो बैंक निफ्टी यहां पर जिस हिसाब से अग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है कि आप अगला 15 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी तक इंटरनेशनल छुट्टियां हो जाती हैं, लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है रैली बिगिंस हुई है अभी भी, इसको अभी ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता भी नहीं कि FIIs, रिटेलर या फिर DIIs यहाँ पर पैसा बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे लगता है वो और अग्रेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं और अग्रेसिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का टारगेट अब नेक्स्ट हमें 21,500 की बात करनी चाहिए, बैंक निफ्टी को वापस 48,000 की बात करनी चाहिए। और अगले हफ्ते थोड़े से वॉल्यूम ड्राई जरूर हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मोमेंटम बाय रहेगा। इस बार रेजिस्टेंस देखते हैं, देखिए 21,100 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में टेक्निकली लेवल पर। यहां पर देखते हैं सपोर्ट की बात कर ले तो 20,900 और 950 ये बीच का लेवल काफी स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके से नजर आ रहा है। तो मनीष जी मुझे लगता है मोमेंटम तो जबरदस्त रहेगा और बैंक निफ्टी उसमें जो है वो साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपोनेंट में अगर जाते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आप देखिए तो सभी, चाहे वो ICICI बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, ये अब एक नए चैनल की तरफ मूव कर रहे हैं और इनके जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि यहां से भी अभी अपवर्ड मोमेंटम और गेन कराते हुए नजर आएंगे।